राज्यसभा में पेश होगा महिला आरक्षण बिल। जो यहाँ का लोकसभा से पास हुआ महिला आरक्षण बिल और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिल पर आज बहस शुरू करेंगे। तो राज्यसभा में 14 महिला सांसद अपना पक्ष रखेंगी और 4 कांग्रेस महिला सांसद भी अपना पक्ष रखने जा रही है। तो आज महिला आरक्षण बिल को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि कल लोकसभा से महिला आरक्षण बिल पास हो गया है और आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिल पर बहस शुरू करेंगे। तो राज्यसभा में 14 महिला सांसद अपना पक्ष रखने जा रही है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस की ओर से 4 महिला सांसदें अपना पक्ष रखने जा रही है। तो कल महिला आरक्षण बिल लंबे चर्चा के बाद 2/3 बहुमत के साथ लोकसभा में पास हो गया। आपको बता दें कि बिल के समर्थन में 454 वोट पड़े और विरोध में 2 वोट पड़े हैं। तो इसी बीच आपको बता दें कि आज राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पेश किया जाएगा और साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बहस की शुरुआत करेंगे और 14 सांसद महिलाएं महिला आरक्षण बिल पर अपने बात रखेंगे और कांग्रेस की ओर से 4 महिला सांसद अपना पक्ष रखने जा रही हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, आज राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल को पेश किया जाएगा, कल 454 वोटों के साथ लोकसभा में बिल पास कर दिया गया था। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो आज भी काफी महत्वपूर्ण दिन है, खासतौर पर महिला आरक्षण को लेकर, क्योंकि कल आपने देखा कि देर शाम किस तरीके से महिला आरक्षण बिल को लोकसभा से पास करवा लिया गया। करीब 454 वोट जो है वो पक्ष में पड़े और 2 वोट जो है वो कहीं ना कहीं विपक्ष में पड़े थे। हालांकि एक तरीके से इसे सर्वसम्मति माना जा सकता है, लेकिन जिस तरीके से आज भी राज्यसभा में बहस भी हो सकती है और इसके बाद संभवतः आज ही राज्यसभा से पूरी तरीके से इस बिल को पास करवा लिया जाएगा, क्योंकि बीजेपी भी उस स्थिति में है और कहीं ना कहीं तमाम जो विपक्ष के नेता हैं वो भी इस बिल का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि आपने कल देखा किस तरीके से तमाम राजनीतिक पार्टियों, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें, तो एक तरीके से इस बिल को लेकर श्रेय लेने की होड़ मची हुई थी। और सोनिया गांधी का भी भाषण आपने सुना इसके बाद, जब बिल पास करवाना था, जब वोटिंग होनी थी, उससे पहले राहुल गांधी ने किस तरीके से कहा कि इस कोटे के अंदर भी कोटा कहीं ना कहीं तय किया जाए और सरकार बताए कि ओबीसी के लिए सरकार क्या कर रही है। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी को पूरी तरीके से जवाब दिया। ऐसे में अगर बात करें तो आज राज्यसभा में इस बिल को पास करवाने की जो कवायद है वो सरकार की ओर से कहीं ना कहीं की जाएगी और संभवतः ये बिल आज राज्यसभा से भी पास हो जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कल आरोप प्रत्यारोप का दौर हमने लोकसभा में देखा, क्या आज वही आरोप प्रत्यारोप का दौर राज्यसभा में भी देखने को मिल सकता है क्या पीयूष? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो देखिए लोकतंत्र की यही खूबसूरती है और सरकार को कितना भी बेहतर बिल लेकर आ जाए, विपक्ष का काम होता है सवाल पूछना। और आपने कल भी इसकी बानगी देखी कि कल सोनिया गांधी, राहुल गांधी के अलावा डिंपल यादव ने भी कहीं ना कहीं सरकार से सवाल पूछा और आज भी कहीं ना कहीं राज्यसभा में भी सरकार से सवाल पूछा जा सकता है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि आज भी संभवतः राज्यसभा से ये बिल किसी पास हो जाएगा, किसी भी तरीके से कोई परेशानी सरकार को कहीं ना कहीं नहीं आएगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। तो राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पेश किया जाएगा और देखना होगा कि किस तरीके से, जिस तरीके से लोकसभा में आरोप प्रत्यारोप का दौर देखा था, क्या आज राज्यसभा में भी उसी तरीके के आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिलेगा। तो वहीं 14 महिला सांसद अपना पक्ष आज राज्यसभा में रखने जा रही हैं।